हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे पार्ट टू डिस्कस करने वाला हूँ मॉर्टन ऑस्टिन क्रोनस डिजाइनिंग का। पार्ट वन में हम सर्किट बना चुके हैं, ठीक है, पूरा डिजाइन हो चुका है सर्किट, चेक करना है कि वो सीक्वेंस जनरेट हो रहा है कि नहीं इस पार्ट में, ठीक है। तो गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है, सबसे पहले इनपुट क्लियर, ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है, उस सीक्वेंस को डिजाइन करने का। सबसे पहले इनपुट है क्लियर, एक्टिव लो, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक, और आउटपुट्स Q3, Q2, Q1, Q0, where Q3 is MSB and Q0 is LSB. अब क्लियर पे NAND गेट के कौन कौन से आउटपुट आ रहे हैं उसको लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, इसको हटा देते हैं, हमारे पास Q3.Q1 इसका कॉम्प्लीमेंट यही तो आ रहा है, यही तो हमने NAND गेट से दिए है ना, ठीक है, क्या Q3.Q1 का कॉम्प्लीमेंट। ये क्लियर बाकी सीक्वेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, अगर बाकी सीक्वेंस को अफेक्ट कर दिया तो गेम ही खत्म हो गई। हम चाहते हैं जब सीक्वेंस ये आए 10th नंबर 1010 तब ये उसको शिफ्ट करे, रीडायरेक्ट करे 4x0 पे, यही तो गेम है, ये हम चाहते हैं करना, वो हम देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। हमने Q3.Q1 जहां पर 11 है उनको NAND गेट में भेजा, ठीक है, और ये आप हर एक मोड के लिए करेंगे। मोड 6 है तो 6 नंबर को गैप कर दीजिए, उसमें जो 11 है उसको NAND गेट में डाल दीजिए, ठीक है, सिंपल। मोड 5 है उसमें जैसे 101 हो गया, इनमें जो 2-1 है इनको NAND गेट में डाल दीजिए, सिंपल, ठीक है, बस इतना ही करते हैं। अब इसको समझते हैं, क्लियर बार ध्यान दीजिएगा। तो पहले जब मेरे पास क्लियर 0 है, इसको एक्टिव करके चलते हैं, क्लॉक कुछ भी होते रहे, इनिशियली सारे फ्लिप फ्लॉप 0 है। मैंने आपको क्लियर के बारे में बताया, असिंक्रोनस इनपुट है, तो क्लॉक कुछ भी होते रहे, हमने स्टार्टिंग में सीक्वेंस 4x0 से लेकर चल रहे हैं, इनिशियली सारे फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो गए, ठीक है, क्लियर को 0 करने से। लेकिन ये ऑल टाइम जीरो नहीं हो सकता, ऑल टाइम जीरो होगा तो फिर आउटपुट चेंज कैसे होगी, और आउटपुट चेंज कैसे हो रही है, क्यू नॉट इसने हर बार टॉगल होना है जब भी नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, क्यू नॉट इज गोइंग टू चेंज व्हेन द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक अपीयर्स हर बार, ठीक है। Q1 चेंजेस व्हेन क्यू नॉट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0, क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, और Q1 Q0 पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि वो उसकी आउटपुट बन रहा है, असिंक्रोनस है ना। Q2 toggles when Q1 is changing from 1 to 0, Q3 toggles when Q2 is changing from 1 to 0, this is very important, ठीक है। आप मेरा asynchronous up और down counter वाला वीडियो देखें, आप इनका मतलब समझ जाएंगे, वैसे भी समझ रहे होंगे क्योंकि negative edge triggered है, asynchronous counters हैं, outputs अगले flip flop की clock बन रही हैं, तो उनपे क्या change हो रहा है उसके according toggling होगी, और toggling होगी क्यों, क्योंकि उसे तो asynchronous बना है, J और K fixed है 1-1 पे, तो अगर input 1-1 है तो ऑब्वियसली टॉगल तो होना ही है, यही तो बोल रहे हैं हम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब आपका Q3.Q1 बार है, Q3.Q1 बार, ये दोनों 0-0 है, तो इसके कारण क्लियर डीएक्टिवेट हो गया, होना जरूरी था इसका डीएक्टिवेट, जैसे ही पहला नेगेटिव आ जाएगा Q0 टॉगल्स, बट ये 0 से 1 चेंज हो रहा है, हम चाहते हैं 1 से 0 चेंज हो, तो इनको कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 से 0 चेंज हो रहा है, ये 0 से 0 चेंज हो रहा है, 0 से 0 चेंज हो रहा है, ये 1 to 0 चेंज होने चाहिए तभी टॉगलिंग होगी, इसलिए सिर्फ Q0 ही टॉगल हुआ है क्योंकि उस पर क्लॉक इंडिपेंडेंट अप्लाई हो रहा है, सबसे पहला क्लॉक नेगेटिव एज, वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब आप फिर से देखिए Q3 और Q1 0-0 है, क्लियर डीएक्टिवेट रहा क्योंकि NAND गेट से 0-0 से 1 आएगा, वो डीएक्टिवेट है, क्लियर। अगर एक्टिवेट हो गया तो ये तो फिर से रीडायरेक्ट कर देगा 4-0 पे, वो हमें नहीं करना। फिर हाँ, जैसी नेगेटिव एज आया इसने हमेशा टॉगल होना है Q0 में, ये चेंज हो गया, लेकिन अब ये 1 to 0 चेंज हो रहा है, ये इसको चेंज करेगा, पर ये चेंज हो रहा है 0 to 1, ये सेम रहेगा, ये 0 to 0 सेम, टॉगलिंग नहीं होगी, टॉगलिंग तभी होगी जब आउटपुट चेंज होंगी 1 to 0, सिंपल। अब फिर से ध्यान दीजिए, आपने Q3 और Q1 पे ध्यान देना है, 0 1 0 1 0 कॉम्प्लीमेंट 1, अगेन क्लियर डीएक्टिवेटेड, नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक आया, इट इज गोइंग टू गेट टॉगल्ड, इट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, सो 1 रिमेन सेम, इट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 1, इट रिमेन 0, इट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 0, इट रिमेन सेम, सो आफ्टर 0 0 1 0 आई एम गेटिंग 0 0 1, देन अगेन यू नो आप ध्यान दीजिए Q3 Q1 यू गेट वॉट 1, अगेन नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक कम्स, इट टॉगल्स, इट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0, इट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0, सो दैट मीन्स इट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0, it is changing from 1 to 0, it becomes 1, this is 0 to 1, here it comes 0. Now, Q3.Q1, they both are 0, 0, so again this becomes 1, negative edge of the clock comes, it is changing from 0 to 1,
If it is changing from 0 to 1, this remains same. If it is changing from 0 to 0, it remains same 0. Now again, Q3.Q1, I'll get 1 here. Negative edge of the clock appears. It is toggling. 1 to 0, I'll get what? 1. This is changing from 0 to 1, I'll get same 1. This is 0. Again, आप Q3 और Q1 पे ध्यान दीजिए, इट्स अगेन 1, क्योंकि NAND गेट है, क्लियर डीएक्टिवेट है, नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक कम्स, इट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1, सो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दिस वन, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दिस वन, इट विल रिमेन सेम, सो वी गेटिंग 7. अगेन Q3.Q1, द 1 कम्स, नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक कम्स, इट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 टू 0. इफ इट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 टू 0, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस इज गोइंग टू बी चेंज्ड. दिस इज चेंजिंग फ्रॉम 1 टू 0, it becomes 0, it is changing from 1 to 0, you'll get 1. 8 aa chuka hai aapka ab tak. Again, negative edge of the clock comes, it is changing from 0 to 1, it remains same, it remains same, it remains same. Okay, so that means, right now, we have reached up to 9. Ab 10th ki baat karte hain, ab jaisi 10 aayega, right now, Q3.Q1 00. Jaisi 9 sequence aaya, clock ka negative edge aaya, jaisi negative edge aaya, so this becomes 1, it is changing from 0 to 1, due to this, it becomes 1, it becomes 0, it becomes 1. जैसे ही ये sequence आया, अब क्या होगा? Q3 और Q1 1-1 है, clear activates, okay? जैसे ही clear activate हुआ, irrespective of the clock, it is going to make all the flip-flops equals to 0, that's what we want. ठीक है, clear क्या आती? सारा 0 हो गया, that's how the sequence is going to come, guys. So this is all about asynchronous mod 10 counter designing, guys. ठीक है, कोई भी आप mod asynchronous counter design कर सकते हैं, बस ones का ध्यान रखिए. ठीक है, mod 5 क्या होगा? 101, इन दोनों 1 को उठा के NAND gate में भेज दीजिए. ठीक है, mod 5 done हो गया. ठीक है, आपको number को गायब करना है जो mod के आगे होगा. 5 गायब कर दिया, mod 6 number को गायब कर दीजिए.